हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप से लोग बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो के अंदर आप लोग मैं स्नैपचैट की मदद से कुछ इस टाइप की ब्लैक एंड ब्लू टोन फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहले ये फोटो कैसे था, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एडिटिंग करने के बाद कितना मस्त यहाँ पर लग रहा है। सो कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग आज मैं आप लोग सिखाऊंगा स्नैपचैट ऐप को यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके में। तो वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को कर दीजिए आप लोग एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। चलिए अभी ज्यादा बात किए बिना आज के इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना फोटो को गैलरी से सिलेक्ट करके उसे आप लोग ले जाने स्नैपचैट ऐप के अंदर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख दो, मैं आप लोग दिखाने के लिए ये वाला फोटो को सिलेक्ट कर लियो गैलरी से। ऐसे आप लोग अपने फोटो को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इधर पे भी शेयर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो इस शेयर का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे आप लोग अपने फोटो को स्नैपचैट ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लें। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख दे रहे हैं स्नैपचैट, तो स्नैपचैट के ऊपर आप लोग क्लिक करें, देन दोस्तों ऐसे आप लोग फोटो स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग के पास स्नैपचैट ऐप नहीं है तो स्नैपचैट ऐप आप लोग प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप लोग जगह उसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। देन अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो भी यहाँ पर अभी स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन हो चुका है। एंड ओपन होने के बाद दोस्तों एट फर्स्ट आप लोग क्या करें, आप लोग इधर पर पेंसिल आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा यहाँ पर फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने एंड क्लिक यहाँ पर आप लोग जैसे करोगे इधर पे भी लोग छः फिल्टर यहाँ पर शो होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन इनमें से आप लोगों को इस डार्क वाला फिल्टर को ऐसे सिलेक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे इधर पे सिलेक्ट है, एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इधर पे इसका ब्राइटनेस को आप लोग कम कर लें, तो यहाँ पर ब्राइटनेस को आप लोग -10 के आसपास रख लें। और यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से भी स्वाइप करने, और स्वाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को भी आप लोग कम कर लेंगे, ठीक है। सो कॉन्ट्रास्ट को इधर पर आप लोगों को +11 का स्पेस रख लेना है। देन दोस्तों अभी इधर से आप लोग डन कर लें, एंड डन करने के बाद दोस्तों इधर पे अभी आप लोग देख सकते हैं इधर पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, फोटो डार्क बन चुका है, ठीक है। लेकिन फोटो डार्क बनने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या करना है, आप लोग अपना स्क्रीन के ऊपर पहले जैसे कलर लाना है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग इधर पे अंडू का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग अभी क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे भी लोग व्यू एडिट्स का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग अभी क्लिक करें। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे भी आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन अभी दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। देन दोस्तों इधर पे भी आप लोग उस ब्रश वाला ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे भी लोग इन्वर्ट कर लें, तो दोस्तों यार इन्वर्ट का ऑप्शन, तो इन्वर्ट पर आप लोग क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग फोटो को कुछ इस तरह से अभी जूम करके इधर पे आप लोग अपना स्क्रीन के ऊपर से कुछ इस तरह से फिल्टर को इरेज यहाँ पर कर लें। तो हम यहाँ पर अभी फटाफट इरेज यहाँ पर कर लेते हैं, देन आप लोग बताते हैं सेकेंड स्टेप क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल के स्क्रीन के ऊपर से अभी फिल्टर पूरा का पूरा इरेज हो चुका है। सो कुछ इस तरह से आप लोग भी इरेज कर लें, एंड इरेज करने के बाद दोस्तों इधर से अभी आप लोग यहाँ पर क्लिक करके डन कर लें। एंड डन करने के बाद दोस्तों ऐसे लोग बैक आएँ, एंड बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा यहाँ पर फोटो के ऊपर ब्लू टोन डालना है, ठीक है। तो फोटो के ऊपर ब्लू टोन डालने के लिए आप लोग फिर से पेंसिल का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग ऊपर की साइड में यहाँ पर चले जाने, देन यहाँ पर आने के बाद इधर पर आप लोग व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसका टेम्परेचर को आप लोग माइनस कर लें, सो टेम्परेचर को माइनस करके यहाँ पर आप लोगों को -36 के आसपास रख लें। और यहाँ पर टीन को आप लोगों को कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है, ठीक है। सो टीन को यहाँ पर आप लोगों को +9 के आसपास अभी रख लेना है। देन दोस्तों अभी इधर से आप लोग डन कर लें, एंड डन करने के बाद दोस्तों इधर पे हमारा सेकेंड स्टेप जो था वो भी यहाँ पर अभी कंप्लीट हो चुका है। देन अभी चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। सो थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, फोटो के ऊपर हल्का सा एडजस्टमेंट यहाँ पर करेंगे, मतलब फोटो के मुताबिक से हम यहाँ पर भी हल्का सा एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर अभी फिर से पेंसिल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। देन दोस्तों यहाँ पर अभी ऊपर टून इमेज का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका कॉन्ट्रास्ट को भी आप लोग हल्का सा बढ़ा लेना है, और यहाँ पर इसका एमिनेंस को आप लोग बढ़ा लेना है। तो एमिनेंस को इनक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को +35 का स्पेस अभी रख लेना है। और अब इसका हाइलाइट्स को भी आप लोग हल्का सा बढ़ा लेना है, सो हाइलाइट्स को इनक्रीज करके यहाँ पर +4 का स्पेस आप लोग रखना है। और आप लोग शैडो को कम कर लेना है, ठीक है। सो शैडो को माइनस करके यहाँ पर आप लोगों को माइनस
15 के आसपास रख लेने। देन दोस्तों अभी इधर से आप लोग डन कर लें। एंड डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो के ऊपर अभी टोन आ चुका है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर बताया था। लेकिन इधर पे आप लोग देख सकते हो और भी एक काम यहाँ पर बाकी है, PNG को लगाना है, ठीक है। तो सो PNG आप लोग अपना मर्जी से लगा सकते हो, यहाँ पर नहीं भी लगा सकते हो, आप लोगों की मर्जी, मैं तो यहाँ पर लगाऊंगा। सो PNG अगर आप लोग लगाना चाहते हो उसके लिए दोस्तों आप लोग क्या करना है, आप लोग इधर पर पेंसिल का कॉन पे से फिर से क्लिक करना है। देन दोस्तों अभी आप लोग नीचे के साइड में चला जाए। एंड नीचे के साइड में आने के बाद यहाँ पर अभी लोग डबल एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी लोग ऐड फोटो का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अभी लोग क्लिक करना है। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर से अभी आप लोगों को इस PNG का एड्रेस सिलेक्ट करना है आप लोगों, ठीक है, मतलब इस red.png का आप लोग सिलेक्ट करें। और PNG आप लोग कैसे मिलेगा वो आप लोग वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, बस आप लोग देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। और यहाँ पर इतना करने के बाद दोस्तों इसका ब्लेंड मोड का आप लोग चेंज करना है अभी, तो दोस्तों यह रहा ब्लेंड मोड का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग अभी क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे भी लो लाइट एंड कॉशन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, ठीक है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला PNG का आप लोग कुछ इस तरह से दोनों उंगली से पकड़ के इस कॉर्नर में आप लोग एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। और इतना करने के बाद दोस्तों इसका ओपेसिटी को आप लोग कम कर लेना है, तो ओपेसिटी को माइनस करके यहाँ पर आप लोग इतना तक रख लेना है, ठीक है। देन दोस्तों अभी इधर से आप लोग डन कर लें। एंड डन करने के बाद दोस्तों इधर पे और भी एक PNG लगाना इधर बाकी है, आप लोगों ने थंबनेल पर जैसे दिखाया था इधर पे लावर PNG लगाना भी बाकी है। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर फिर से पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप लोग डॉल एक्सप्लोरर के ऊपर फिर से क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ऐड फोटो ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। देन यहाँ से भी आप लोग इस लावर PNG का भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका भी ब्लेंड मोड का आप लोग चेंज करके कर लेना है लाइट एंड, तो हम यहाँ पर अभी कर लेते हैं। और इतना करने के बाद दोस्तों ये वाला PNG को भी आप लोग कुछ इस तरह से दोनों उंगली से पकड़ के ऊपर की साइड में यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर यह सही है। देन दोस्तों इधर से भी आप लोग डन कर लेना है। एंड डन करने के बाद दोस्तों इधर पे आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो एडिटिंग अभी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पड़वाया था सेम टू सेम एडिटिंग यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसका बिफोर आफ्टर भी दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हो सेम टू सेम एडिटिंग हो चुका है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर बताया था। सो कुछ इस तरह से आप लोगों ने फोटो को एडिटिंग कर लें। एंड एडिटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेव करने से पहले आप लोगों में एक बात बता दूँ। सो दोस्तों ये दोनों PNG का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वैसे PNG को डाउनलोड कर सकते हो। देन दोस्तों अभी आप लोग सेव कैसे करना है, आप लोग सेव करने के लिए इधर पे शेयर ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करें। देन यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोग फोटो जैसे गैलरी में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद अगर आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो आप लोग कैसे लगेगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, मिलते अगले कोई वीडियो में।